ओवरडोज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की केला कोर्ट में लगाई गई जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। इसका मतलब अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज मुंबई के किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर दिया है। क्रूज पार्टी ने ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत पर सुनवाई ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की जगह आर्यन के वकील को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्डर रोड जेल चले गए हैं। कोर्ट ने क्या कहा? बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सतीश मानशिंदे अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी जो खारिज हो गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का कहना है कि यह मामला सेशन कोर्ट के लिए था, ऐसे में आर्यन संघ अन्य के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। अब सतीश मानशिंदे सहित अन्य वकील सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डालेंगे। मुंबई के किला कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आर्यन की याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य सभी आरोपियों को जेल में आज रहना होगा। बॉलीवुड की हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।